1780 में नवाब आसिफ उद्दौला ने जिस बिल्डिंग को बनवाना शुरू किया, जो बिल्डिंग 20 साल बाद। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। नवाब सादत अली खान द्वितीय के समय 1800 में बन करके तैयार हुई एक ऐसी बिल्डिंग जिसका लखनऊ में अपना एक अलग इतिहास है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उसका एक अलग इतिहास है। 1857 की जो प्रथम क्रांति थी उसमें इस बिल्डिंग का एक अलग इतिहास है। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंसी की। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप खड़ी देख रहे हैं ये लखनऊ स्थित रेजिडेंसी है। लखनऊ के बीचों बीच कहा जाए तो शहर के बीचों बीच ये रेजिडेंसी है। रेजिडेंसी जिस तरीके से शब्द अपने आप में बयां कर रहा है कि जहां कुछ लोग रहते थे, तो यहाँ एक समय पर ऐसा था कि भले ही नवाबों ने इसको बनवाया पर एक समय बाद काफी अंग्रेज यहाँ पर रहे। उसका इतिहास किस तरीके से आजादी के उसमें कैसे जुड़ता है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। डॉक्टर रवि भट्ट सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रवि सर, 1857 की क्रांति की बात करें, उसके पहले रेजिडेंसी, क्योंकि हमने कहा 1780 से 1800 में ये बनी, नवाबों ने बनवाई, उसके बाद हम सबसे पहले तो ये जानेंगे रेजिडेंसी का उपयोग किस तरीके से होता था, क्या तब भी इसका नाम रेजिडेंसी ही था, और उसके बाद कैसे क्या स्थितियां आ गई। देखिए, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 1764। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जब कंबाइंड फोर्सेस जो होती है, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब अवध और मुगल किंग, इन तीनों ने मिलकर मोर्चा लिया था अंग्रेजों से, जिसके अंदर की हिंदुस्तानी साइड हार गए लोग। हारने के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, तो अंग्रेजों ने जब उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, नवाब ऑफ अवध जो थे उनको उनका राज वापस करा। और नवाब कौन थे? नवाब शुजा उद्दौला थे, तीसरे नवाब थे। जब उनको वापस, उनसे 50 लाख रुपए उनसे एज अ पेनल्टी लिया, और उसके अलावा एक शर्त ये रखी कि हम आपको राज वापस कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपकी जो अवध है उसका अंग्रेजों की एक फौज रहेगी, नहीं खर्चा उसका आप देंगे। अच्छा, नंबर वन। और ऊपर से कहने के लिए कह रहे थे कि हम आपकी बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए रख रहे हैं। एक मतलब नवाबों से बनवा करके अंग्रेजों ने अपने लिए एक आशियाना बनवाई, ये कहा जा सकता है। नहीं, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेना की बात कर रहा था। अच्छा, तो सेना जब यहाँ रखनी शुरू हुई। अच्छा, और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि आपको प्रशासन में हेल्प करने के लिए, नवाबों को प्रशासन में हेल्प करने के लिए एक हमारा अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर रहेगा। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था रेजिडेंट। तब कैपिटल हुआ करती थी फैजाबाद, लखनऊ नहीं होती थी। तो रेजिडेंट जहां पर रहेगा वही रेजिडेंसी हो जाएगा। तभी उसी समय 1775 के अंदर नवाब आसिफ उद्दौला कैपिटल शिफ्ट करके लखनऊ लाते हैं। जब यहाँ लखनऊ लेके आते हैं तो वो जो उनका अंग्रेजों का अधिकारी था, इसको रेजिडेंट हम कहते थे, उसके रहने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। तो इस जगह को तलाशा गया क्योंकि ये थोड़ी ऊंची जगह पर थी। और यहाँ पर जो क्लॉड मार्टिन था, जिसके नाम पे आपको लामार्टिन कॉलेज बना हुआ है अभी, उसने ही वो आर्किटेक्ट ऑल्सो, एमेच्योर आर्किटेक्ट ऑल्सो, तो उन सब ने मिलकर जगह पर जगह चुना। ये जगह चुनी तो इसके पूरी एक तरीके से टाउनशिप थी, जैसे आज एम्बेसी होती है ना, तो एम्बेसी तरीके से इसके अंदर नवाबों को कोई अधिकार नहीं था। अच्छा, नवाबों की सेना नहीं आ सकती इसके अंदर। नवाबों ने बनवाया पर रहते अंग्रेज, तो बनाया तो अंग्रेजों के लिए। जैसे एम्बेसीज होती है आजकल, तो एम्बेसी जब कोई बनती है तो एम्बेसी बनी, पर एक बार एम्बेसी बन गई तो इट इज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंट्री। इसी ढंग से ये जो था, जो रेजिडेंसी थी, उसको बनवाया अंग्रेजों ने, बनवाया इसको यहाँ पे नवाबों ने था। लेकिन एक बार जब बन के तैयार हो गई और रेजिडेंट यहाँ रहते थे, तो नवाबों का उस पर किसी ढंग का कोई हक नहीं था। वो कोई भी आदमी अगर भाग के इसके अंदर आ जाए तो उनकी, उनके सिपाही अंदर आ जाए, अरेस्ट नहीं कर सकते थे इसको। जी, तो ये जो था, यहाँ पर चीज जब बनी, तो बनने के बाद में यहाँ पर, जैसे कि आपको मालूम है अच्छी तरीके से, उसके 1857 के, 1856 के अंदर नवाब वाजी अली शाह का राज जो होता है वो जस्ट डिफाइंग ऑल द इंटरनेशनल लॉज, उनको उनको कहना चाहिए कब्जा कर लिया इन्होंने, हिंदुस्तानी अंग्रेजों ने इस पर लखनऊ पर कब्जा किया। जब इसको यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया तो उसके बाद पूरे भारत में असंतोष तो ये भी फैला हुआ था, और अवध के अंदर जो इमीडिएट रीजन था वो रीजन था क्योंकि अभी 1856 के अंदर वो नवाब वाजी अली शाह का राज जो था वो छीन लिया गया था, तो उनकी फौज को, उनकी फौज को जो था वो बर्खास्त कर दिया गया था। तो फौजी जो बर्खास्त हो गए थे उनके अंदर भी बहुत असंतोष था, तो वो उस सब ने मिलके, जो पूरे भारत के अंदर चली रही थी असंतोष की लहर, यहाँ पर हो चुका था सिपाही, आपको मालूम है मेरठ के अंदर 10 मई को हो गया था,
तो यहाँ पर भी पहली गोली जो चलती है लखनऊ के अंदर चलती 30 मई को मड़ियाओं के अंदर मौसम में। ये बातें आपके 1857 के अंदर, अच्छा 30 मई के अंदर पहली गोली चलती है, जो अंग्रेजों की सेना होती है उसके जो भारतीय सिपाही होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। वहां पर उन्होंने चर्च को जला दिया और तमाम क्वार्टर जला दिया, अंग्रेजों को मार दिया। तो उसके बाद जब ये यहाँ पर शुरू होती है लड़ाई, तो इतनी भयंकर लड़ाई शुरू होती है क्योंकि इन्हों जो भारतीय क्रांतिकारी उनको कहिए जो थे, उनको देवे गेटिंग द रिवर हार सबको मिल रही थी भारत के दूसरे कोनों से, तो वो सबसे भाग के आके यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। जब यहाँ इकट्ठे हो रहे थे तो बेगम हतमहल यहाँ पर जो थी, यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति पूरे हिंदुस्तान में, जो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय थे वो क्रांतिकारी थे, वो लखनऊ में थे। अच्छा। और बेगम हतमहल के नेतृत्व के अंदर उन्होंने इसको पूरे लखनऊ पे तो कब्जा कर ही लिया था। कब्जा करने का मतलब है कि इसके ऊपर उनका अधिकार था, इसका उनपे शासन चल रहा था उनका, इसके ऊपर वहां पर उनके कोतवाली उनके थाने उनके अपने थे, उनके अपने सिक्के उन्होंने डालने शुरू किए। सिक्के जरूरी बात था कि वो आपके जो जो मुगल किंग के नाम पे होते थे, बस सिक्के खुद डालने शुरू कर दिए थे बेगम हतमहल ने। अच्छा। लेकिन इसको कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि ये देखिए आप देखें थोड़ी ऊंची जगह पर है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर भी करीब 30 तोपें थी अंग्रेजों के पास उस समय, 30 तोपें थी, और इसके अंदर करीब 3000 लोग जो थे इसके अंदर फंसे हुए थे अंग्रेजों के। पूरा एरिया कितना है? 33 एकड़ का यहाँ पर। तो वहां से वो लोग जब आप देख ही रहे हो ये ऊंचा बना हुआ है, तो वहां से जब भारतीय क्रांतिकारी यहाँ से गोली चलाते थे तो वहां से उनके लिए आसान होता डिफेंड करना अपने होता था, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर था। तो उस समय हुआ क्या, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आपने मेन बिल्डिंग देखी है, जो मेन बिल्डिंग देता है वो वॉच टावर है, और वॉच टावर जो था उसके वो झंडा भी उसके अंदर हुआ करता था। अच्छा। जो अंग्रेजों का यूनियन जैक जो वहां पर फहराता था, जैसे कि और भी तमाम बिल्डिंग में फहराता जो भी अंग्रेजों के सरकार में हुआ करती थी। तो ये जो भारतीय सिपाही थे ये क्या करते थे, इस गोली लोगों को हराने के लिए चलाते थे, साथ साथ जो झंडा था वो अंग्रेजों को डिमोरलाइज करने के लिए उनके झंडे को गोली मार के नीचे गिरा देते थे। अच्छा। अंग्रेज लोग किसी ढंग से अपना चाह, चूंकि इतने ये करीब 4.5 महीने की लंबी घेराबंदी थी, तो 4.5 महीने में खाना पीना सब दवाई सब खत्म हो चुकी थी, ऐसे ही भूखे मर रहे थे लोग, तब भी किसी ढंग से सिलसिला के लोग पूरी झंडा ऊपर क्योंकि ऊपर कर देते थे, फिर वो गोली मार देते थे। तो अब आप ये देखिए कि बाद में कुछ लोगों की देशद्रोही जो थे जिनके वजह से भारतीय साथ जो था साइड वो हारा, अंग्रेजों का इस पर फिर से कब्जा हुआ। जब अंग्रेजों का दोबारा से सबसे पहले कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। अब हम आपको लेके चलते हैं 1947 में, आजादी के 2 दिन पहले तक यूनियन जैक यहाँ पर आपने देखा है उसके ऊपर 3 स्टोरी बिल्डिंग वो करती थी, ऊपर बिलियर्ड रूम होता था तो वो लहरा रहा था। लेकिन अंग्रेजों के बाद बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, जा तो रहे थे यहाँ से हार के, कि हमारे जाने के बाद में यूनियन जैक, यूनियन जैक वाली जो आप बात कह रहे हैं कि क्या वो मतलब जैसे अमूमन क्या रात में उतर जाता था यूनियन जैक? हाँ, पूरी पूरी दुनिया के अंदर ये एक प्रथा थी कि यूनियन जैक हमेशा दिन में चढ़ाया जाता था और शाम को नीचे कर दिया जाता था। तो मैं यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ कि इस समय जब यहाँ पर 1947 की बात, हाँ जो आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी, तो ये जब इनको ये कब्जा इसके ऊपर हो जाता है, अंग्रेज लोग जब कब्जा कर लेते हैं 1858 के अंदर पूरा लखनऊ भी कब्जा हो जाता है, इसके ऊपर भी कब्जा हो जाता है, तो इन लोगों ने एक काम ये करा, इन्होंने पहला काम ये करा कि इन्हें ये डिसाइड करा कि चूंकि इनको दुनिया में सबसे ज्यादा टफ बैटल उन्होंने लड़ी है इस रेजिडेंसी के लिए, टफेस्ट बैटल इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? ऑलरेडी वो ऊंचाई पर थे, ऊंचाई पर तो थे, पर टफ तो इसलिए हुई कि 3000 आदमी डिफेंड कर रहे थे, अंदर नहीं आने दिया किसी को, ये भी तो बड़ी बात है, यहाँ तो पूरी फौज थी इन लोगों की लाखों की, नंबर वन। अंदर सिर्फ 3000 लोग थे, तमाम लोग मर गए थे, हेनरी लॉरेंस तो सेकंड डे चौथे दिन मर गया था, दूसरे दिन गोली लग गई थी घेराबंदी के, 2 तारीख को 4 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी जो उनका कमांडर था, फिर तब तक दूसरे कमांडर एक एक कमांडर मरता था तो दूसरा बना दिया जाता था। तो जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चूंकि तब और इसकी जो घेराबंदी थी 4.5 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है इसकी लंबी घेराबंदी, ये भी दुनिया की जो लॉन्गेस्ट जो घेराबंदी है उनमें से गिनती होती है। जॉन पेम्बल हिस्टोरियन है, ये रिटन वेरी डिटेल अबाउट इट, और जो आज भी दुनिया भर की जो मिलिट्री अकेडमीज है उसके अंदर इस घेराबंदी करने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी वो आज भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। कितनी बड़ी बात है आप देखिए। तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड करा कि चूंकि हमने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है तो कैसे उसको याद रखेंगे, तो अंग्रेजों ने दो निर्णय लिए, एक तो लिया कि हम कभी भी यूनियन जैक को नीचे नहीं उतारेंगे शाम को, तो दिस वॉज द ओनली बिल्डिंग
जहाँ शाम के वक्त में यूनियन जैक कभी नहीं उतारा जाता था पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, नंबर वन। नंबर टू उनका, हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि रिपेयर नहीं करने के पीछे था कि दीवारों पे जो गोले के निशान आज भी देखिए आपको दिख रहे हैं, वो इसलिए कि वो कोई याद कितनी भयंकर लड़ाई थी। आज आप जब भी जाके दीवार देखते तो आपको लगता है भाई बड़ी भयंकर लड़ाई हुई होगी, किसी भी जो दर्शक पहुंचेगा वहां पर उसको लगे इतनी लंबी लड़ाई हुई है। तो ये उस वो क्रिएट करने के लिए, देखिए ये लड़ाई हुई जिसमें हम जीते हैं, जैसे कि आपकी एकदम खून से सनी हुई कोई पोशाक रखी हो कहीं इसी लड़ाई में, तो आप जो रख दे देखिए इतनी हमने भयंकर लड़ाई लड़ी थी, उसी अंदाज के अंदर ये दीवारें दीवारों पर आज भी निशान बने। एक चीज हमने और देखी सर, अंदर जो चर्च है चर्च के आसपास ग्रेवयार्ड जैसा भी दिखा, क्या मतलब अंग्रेजों के यहाँ, क्योंकि ऐसा चर्च में अमूमन ग्रेवयार्ड नहीं देखा होता है। अब हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा नहीं थी कि अंग्रेज लोग अपने मुर्दों को चर्च के अहाते के अंदर दफनाए, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक तो जगह की कमी थी, क्योंकि इसके अंदर ग्रेवयार्ड तो कोई था ही नहीं, यहाँ पर टाउनशिप के अंदर ग्रेवयार्ड क्रिश्चियन चर्च और शहर में तमाम जगह फैले हुए स्थानों फैले हुए, नंबर वन कोई चर्च कोई ग्रेवयार्ड जगह नहीं थी, नंबर वन। और नंबर टू चौथ तो गोलियां चलती टक 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 चल रही थी, तो पीपल उनके पास इतना टाइम नहीं था कि पर्टिकुलर जाके उसको खोदें, तो उन्होंने क्या करा कि वो चर्च के हाथे के अंदर ही उन्होंने एक साथ तो कभी कभी कई लाशों को एक ही गड्ढे के अंदर दफना दिया करते थे। हाँ, दिया करते थे, और दवाई नहीं मिलती थी, पानी खाने को नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलती थी, मतलब दे हैड एब्सोल्युटली भूख और दवा के अभाव में भी तब कितने लोग यहाँ पर मर गए, गोलियों से तो मरे ही, इसके अलावा ऐसे भी लोग मर गए थे। तो हुआ क्या, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ, ये जब लड़ाई हुई अंग्रेज आ गए, झंडा नीचा नहीं करते थे, इसको नहीं उन्होंने रिपेयर करा। उसके बाद हम आते हैं 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, उसके दो दिन पहले की बात है, अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से बात मालूम थी हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद में ये पक्की बात है कि जो भारतीय जनता इसके अंदर घुसेगी और यूनियन जैक को पानित करेगी, बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाएगी, तो बहुत स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर रहता है, दैट एनिमल इंस्टिंक्ट। तो उन्होंने क्या करा, उस समय एक था मेजर जनरल अल्फ्रेड कर्टिस उसका नाम था, वो यहाँ पर आता है 13 तारीख की रात को शाम के 8 बजे चुपचाप चोरी से, क्योंकि माहौल तो हिंदुस्तानी में बन चुका था, भले अंग्रेज लोग यहाँ पर 15 अगस्त को सत्ता का हस्तांतरण होना था, पर प्रैक्टिकली तो सब वही हो गया था। तो चोरी से आया और उसने कुछ सिपाहियों के साथ उसने झंडे को धीरे से नीचे उतारा, उसको रेस्पेक्टफुली तय करके यहाँ का जो केयर टेकर था उसका नाम था आयरलैंड, वो आयरलैंड को दिया, और उसके बाद वो डंडे को धीरे से उखाड़ वहां से उखाड़ दिया, और जो जगह थी जो होल जमीन में था उसको भी समतल कर दिया। अच्छा, कि लोगों को पता ही नहीं लगे कि यहाँ पर झंडा लगा हुआ था और किसी ने हटाया झंडे को। अच्छा। और उस झंडे को बाद में इंग्लैंड भेज दिया गया। अब इंग्लैंड में जो झंडा पहुंचा तो इंग्लैंड वालों के लिए तो उसका बहुत महत्व था, क्योंकि अंग्रेजों ने जीता था यहाँ, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो हर आदमी जो भी जो हु इज हु जो वहां के जो समाज में जो उच्च स्तर के लोग थे, हर आदमी चाहता था इसको हम रखें इसको, तो अंत में ये डिसाइड हुआ किसी को नहीं दिया जाएगा, और वो झंडा डिसाइड हुआ कि उसको इंग्लैंड की जो विंडसर कैसल लाइब्रेरी है उसके अंदर रखा जाएगा, जिसमें आने वाले लोग देखें। तो अगर आज भी आप इंग्लैंड जाइएगा तो विंडसर कैसल लाइब्रेरी के अंदर यहाँ का यूनियन जैक जो आपको मिलेगा, जिसको कि भारतीय क्रांतिकारियों ने 4.5 महीने तक कब्जे में रखा था, और बाकी अंदर की जो दीवारें हैं वो तो अपनी शौर्य गाथा बता रही किस तरीके से लगातार गोली मार, भारतीयों की शौर्य गाथा बता रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों थोड़ी दीवारों मारा होगा तो भाई 4.5 महीने जिस तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल आपने इतनी बहुत अच्छी बात कही है, ये दीवारों पे निशान नहीं है, भारतीयों की शौर्य गाथा लिखी हुई है। बिल्कुल, तो ये वो रेजिडेंसी है जिसका इतिहास के पन्नों में अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बात करते हैं, पर भारतीयों ने किस तरीके से 4.5 महीने इस पर अपना पूरा जो कब्जा था वो एक तरीके से किया रहा, और हालांकि बाद में फिर अंग्रेज इसमें रहे, और जिस तरीके से देश आजाद होने के 2 दिन पहले उन्होंने जो अपना जो झंडा था वो यहां से निकाल करके वो अपने देश ले गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।